चंगोत्रा वार्ड नंबर 40 की पार्षद। आज मेरी वार्ड में श्री नंबर गलिका तो शुरू है, एक साढ़े 6 लाख की लागत से काम है और मेरे साथ मेरे पलातिलो मंडल के अध्यक्ष केशव जी और हमारे जिला के महामंत्री हमारे कर्ण जी और एसी मोर्चा के प्रेसिडेंट जयपाल जी और दुबे जी अभी जी और सभी इस मोहल्ले के नागरिकगण लोग मेरे साथ हैं। ये गली का बहुत ही पेंडिंग काम था, बहुत देर के बाद हुआ है, ये कोई 35 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है क्योंकि ये बहुत पुराना काम था और ये काम के लिए बेचारे लोग बहुत सफ़र कर रहे थे। इनके साथ मैं भी कर रही थी क्योंकि बेचारे बार बार मेरे पास आते थे, मैंने बोला कोई बात नहीं, जब भी मेरे पास कोई पैसा आता है तो मैं आपका ये काम शुरू कराऊंगी। आज मैं इन लोगों को सभी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ और ये काम हुआ। ये हमारे शांति हमारे सुषमा जी हैं मेरे साथ, तो इनकी भी ये बहुत डिमांड थी और मैं इनका भी सभी का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि इनका भी बहुत योगदान मेरे साथ है, जो मेरे साथी मेरे साथ हैं इनका सभी का प्रयासों से ये काम हुआ। जय हिंद जय भारत। ये जो हमारी यहाँ की कॉपरेटर हमारी बहन जैसी है, इसने यहाँ हमेशा इस वार्ड में अपनी तरफ देखा, जैसे ये हमारे साथ अपनी ही बहन लोकल है यहाँ देख रहा। ये जो हमारी गली है, स्पेशली जो हमारी गली, इसको आज तक 35 साल में कभी कभी कोई टाइल नहीं लगी थी। ये पहली औरत है जिसने यहाँ योगदान किया, हम इसके बहुत ही आभारी हैं। जी यहाँ वार्ड नंबर 40 में गली नंबर 6 का शिलान्यास जो है वो हमारी यहाँ की पार्षद नीलम मरगोत्रा जी के साथ, जम्मू ज़िला के महामंत्री हमारे करण जी और यहाँ की पूरी टीम के साथ आज हमने यहाँ पर 6.5 लाख रुपए की लागत से गली का शिलान्यास किया है। इस गली के लोगों की काफ़ी टाइम से ये एक पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पर जो है वो टाइल नहीं लगी थी और रोड बड़ा ख़राब था, तो इसी के मद्देनज़र सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के नाते आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और नीलम जी के साथ इस गली का शिलान्यास किया है। नीलम जी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ के गणमान्य नागरिक भी जो है वो इस शिलान्यास में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी लोगों को यही आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि लोगों की सेवा, लोगों के जो मिसाइल है वो कैसे हल किए जाएं, उसी का प्रयास करते हुए हमारे कार्यकर्ता हमारे जो नेता हैं वो लोगों की सेवा निरंतर तौर पर कर रहे हैं और आगे भी जो जो काम पेंडिंग है उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास जो है वो हम लोग करेंगे। जय हिंद जय भारत।